वडोदरा के गोरवा विस्तार में रहते वैसे विद्यार्थी के साथ सोसाइटी में ही रहते वैसे ठगबाज शख्स द्वारा विदेश भेजने के बहाने से 15 लाख से भी अधिक रुपए की धोखाधड़ी की शिकायत पुलिस थाने दर्ज होते हुए विद्यार्थी द्वारा न्याय की गुहार लगाई गई है। वडोदरा के गोरवा विस्तार में रहते वैसे सोमेश देवीदास हेड़ाउ द्वारा विदेश में पढ़ाई के चलते सोसाइटी में रहते वैसे अनिल चंद्रकांत पारेख के पास उनका संपर्क किया गया था। तो वही रहीश के मुताबिक सोसाइटी में रहते वैसे अनिल चंद्रकांत पारेख के साथ संपर्क करते हुए विद्यार्थी वैसा सोमेश हड़ाऊ महाराष्ट्र स्थित आई हुई नागपुर यूनिवर्सिटी में बीई मैकेनिकल की पढ़ाई करता है। ज्यादा पढ़ाई के लिए विदेश जाने अंतर्गत फरियादी ने सोसाइटी में रहते वैसे अपराधी के साथ विदेश भेजने का कार्य करते होने के साथ उनका संपर्क किया गया। तो वही फरियादी द्वारा अपराधी के पास उनके मुताबिक मास्टर डिग्री के लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए जर्मनी जाने की सलाह की मांग की गई, लेकिन अपराधी ने जर्मनी काफी महंगा और पीआर के लिए भी काफी मुश्किल भरा होने का कहते हुए बाद अच्छी पढ़ाई के लिए यूक्रेन जाने की सलाह देते हुए आखिरकार उस दिशा में प्रोसेस किया गया। तो वहीं अपराधी के मुताबिक फरियादी द्वारा उन्हें विदेश भेजने की कार्यवाही के चलते 15,50,000 रुपए दिए गए, जिसके बाद वहां पर अन्य एक शख्स यानी कि एजेंट के साथ मुलाकात करने का कहते हुए प्रोसीजर के लिए यूक्रेन में जाने के बाद मोहम्मद अली के साथ मुलाकात करवाते हुए उसके द्वारा भी 3,44,034 रुपए की मांग करते हुए फरियादी द्वारा उन्हें दिए गए थे, जिसके बाद भी उनके लिए कोई भी प्रोसेस नहीं होते हुए आखिरकार उनके साथ ठगाई होने का एहसास होते हुए बाद शिकायत दर्ज, जिस संदर्भ में पुलिस कमिश्नर को अर्जी करने के बाद इस केस की विशेष जानकारी वकील वैसे नरेंद्र राज द्वारा दी गई थी। मुझे मास्टर्स करने के लिए यूक्रेन जाना था, जिस सिलसिले में मेरी सोसाइटी में अनिल पारेख रहते हैं, उनसे मुलाकात आई, जो कंसल्टेंट हैं फॉरेन भेजने के लिए। इनसे मेरे यूक्रेन जाने के लिए फाइनलाइज हुआ था, जिसके लिए इन्होंने 15 लाख मुझसे लिए और जून से ही मैंने इनको पेमेंट और ये पूरा प्रोसीजर चालू कर दिया था। इन्होंने डॉक्यूमेंटेशन और मेरा कोई भी काम किया नहीं। फिर वहाँ यूक्रेन पहुँचने के लिए इन्होंने मुझे कहा कि वहाँ अली से मिलना है और वो मुझे रिसीव करेंगे। फिर वहाँ पहुँचने के बाद अली ने मुझसे पैसे मांगे और इन्होंने कहा कि ये हाँ ये पैसे इनको देने हैं। तो 15 लाख इंडिया में देने के बाद भी इन्होंने कोई मेरा काम नहीं किया और वहाँ जाने के बाद मुझे 4,26,000 और पे करना पड़ा और वहाँ पे मेरा इन्होंने डॉक्यूमेंटेशन कुछ कंप्लीट किया नहीं था, जिसकी वजह से डॉक्यूमेंट्स मेरे लीगलाइजेशन के लिए वापस इंडिया आने पड़े और वापस इंडिया में लीगलाइज होने के बाद वापस यूक्रेन में ये समय पूरा बीत गया और उसमें मेरा इनटेक पीरियड ख़त्म हो गया। मैंने डीन से बात की तो उन्होंने कहा कि अब एडमिशन नहीं हो पाएगा, इसलिए आपको वापस जाना पड़ेगा या लैंग्वेज कोर्स पे लेना पड़ेगा। मुझे लैंग्वेज कोर्स करना नहीं था क्योंकि उसका कोई फ़ायदा नहीं था, कोई गारंटी नहीं थी कि मैं मास्टर्स में मेरा एडमिशन उसके बाद हो पाएगा, इसलिए मुझे बहुत दिक्कतों के बाद वापस आना पड़ा। मेरे पूरे पैसे खर्च हो गए, मेरे पूरे इतना सारा पैसे देने के बाद भी इन्होंने मेरा कोई काम नहीं किया और अब मेरे पैसे भी वापस नहीं कर रहे हैं, उल्टा मुझे धमकी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि आप पर्सनली निपटा लीजिए या फिर ऐसा कह रहे हैं कि मैं कोई और आपके खिलाफ केस करा सकता हूँ, पुलिस को ये कर सकता हूँ, आप ही बच जाओगे, पैसे का छोड़ दो। इन्होंने अभी तक मेरा एक भी पैसा वापस नहीं किया और मैंने इस सिलसिले में कमिश्नर ऑफ पुलिस और गोरवा पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट भी दी है, पुलिस की अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मैं चाहता हूँ कि इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो और मुझे मेरा पैसा वापस मिले क्योंकि उन्होंने मेरा कैरियर खराब किया। आपका नाम क्या है? सोमेश हेडाउ जी। साहब शू आज साची विगत? सोमेश देवीदास हेडाउ जो मारा क्लाइंट है, એમને એને મને ઘટના એમની સાથે જે બનાવ બન્યો તે મને જાણ કરી, એમને યુક વધુ અભ્યાસ માટે વિદેશ જવાનું હતું એટલે એમની સોસાયટીમાં રહેતા અનિલભાઈ સાથે એમની વાત થઈ, 15 લાખની 15 લાખમાં નક્કી થયું, 15 લાખ અનિલભાઈએ લઈ લીધા, કોઈ કામ કર્યું નહીં અને આ ભાઈને કીધું તમે યુક્રેનની ટિકિટ કરાવી લો, આ યુક્રેન ગયા અને ત્યાંના એમના માણસ જેમનો એજન્ટ હતો એમની સાથે એમની મુલાકાત થઈ, એ એજન્ટે એમની પાસેથી ફરીથી પૈસા લીધા અને કોઈ કામ ના કર્યું અને એમની કારકિર્દી બગાડવામાં આવેલી છે બધા મળીને, એમાં અનિલભાઈ ચંદ્રકાંત પારેખ પછી કિન્નરી કરીને છે અને મોહમ્મદ અલી કરીને છે, આ ત્રણેય જણે ભેગા મળી મેળા પીપળાની અંદર આ એક છોકરો જે છે એની ઉગતી કારકિર્દીને એમને સ્ટોપ લગાવી દીધું છે અને આવા વ્યક્તિઓ સમાજની અંદર સરેઆમ ઘૂમે છે ફરે છે અને બીજા શિકાર ના થાય બીજા વિદ્યાર્થીઓ એના માટે આપણે પોલીસ કમિશનર સાહેબને વડોદરા સાહેબ પોલીસ કમિશનર સાહેબને આપણે ફરિયાદ આપેલી છે અને ગોરવા પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર સાહેબને ફરિયાદ આપેલી છે, આ અમજો અમને ન્યાય નહીં મળે
પોલીસ તપાસ ની અંદર માની લો કે એ આરોપીની ધરપકડ નહીં થાય અને અમને ન્યાય નહીં આપવા અમે તો અમે આગળની કોર્ટ કાર્યવાહી કરીશું પણ છોડીશું નહીં. આપનો પરિચય? નરેન્દ્ર રાજ, એડવોકેટ.